इस मूवी को शो पे और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफ, इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप। ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए, जैसे जूस के की जो नरसंहार हुआ था, होलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल। मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड, एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये जो बॉलीवुड है, इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। इट्स सच अ गुड फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गो एंड वॉच इट, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस प्रमोट इट, एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। और हमारी दुनिया, हमारे देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि टुकड़े गैंग के कैंसर है, कैसे जी आपसी जो आसपास के देश हैं इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है, वो सब एक्सपोज करता है, जाके देखिए।